हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में मान लीजिए 100% आने वाला है। तो टॉपिक क्या है? फिजिक्स का है, क्लास 10 और 12 दोनों के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज आता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ हम आपको संबंध स्थापित करके बताएंगे कैसे एफ और आर में आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो क्या है, मान लो कि ये आपका है ये मान लीजिए आपका दर्पण है, ये दर्पण का द्वारक हो गया M1 M2 M4 मिरर, मिरर का पहला किनारा और ये दूसरा किनारा, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव P। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। मान लो कि ये फोकस हो गया F और ये मान लो वक्रता केंद्र हो गया C। ठीक है, मान लीजिए कि यहां से मुख्य अक्ष से कोई किरण ऐसे मान लेते हैं किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ऐसे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो आप जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह अपवर्तन के पश्चात ये एफ हो गया। कहां से आती है? फोकस से। कहां से आती है? फोकस से। तो ये आपका हो गया फोकस से जा रही है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपका अभिलंब। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अभिलंब, और ये जिस पॉइंट पे गिर रहा है ना इसको आप ए मान लो। ये प्रकाश की किरण जहां से चल रही है इसको ए मान लो, सॉरी इसको आप बी मानो, और ये मान लो ए से जा रही है। ए से जा रही है, बी पे गिर रही है, बी पर गिरने के पश्चात एफ से होकर के रिफ्लेक्ट होके निकल जा रही है, मुख्य फोकस से होके निकल जा रही है, और आप इसको यहां से मिला दिए तो ये अभिलंब हो गया। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या होगा, यदि यानी दो यदि दर्पण का द्वारक, तो थोड़ा पहले मान लीजिए, ठीक है ना, पहले थोड़ा सा मान लीजिए, मान लीजिए माना आप निम्नलिखित चित्र में, निम्नलिखित माना निम्नलिखित चित्र में, ठीक है, दर्पण का द्वारक M1 M2 है। ठीक, उसके बाद में दर्पण का फोकस F है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है। ठीक है, तथा दर्पण का ध्रुव P। ठीक, कितना समझ में आ गया? दर्पण का द्वारक हमने M1 M2 मान लिया, दर्पण का फोकस हमने F मान लिया, और उसके पश्चात दर्पण का वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ से P से C के बीच का जो डिस्टेंस है यानी PC, ये वक्रता त्रिज्या इसको हमने R मान लिया, और दर्पण के ध्रुव को क्या मान लिया? P मान लिया। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखो अब यहाँ आप लिख सकते हो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, कोण ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ। ठीक है ना, कैसे होगा? यहां लिख दीजिए परावर्तन के नियम से। आपने परावर्तन का नियम पढ़ा है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं,
तो ये हमारा अभिलंब है, ये जो है ये क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब जब है तो ये हमारा हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, यानी ए बी सी हमारा आपतन कोण है और सी बी एफ हमारा परावर्तन कोण है, ठीक है। यानी अगर ये आई है तो ये हमारा आर है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ लिखो, चूंकि ए बी जो है ना समांतर है किसके, पी सी के, ए बी मुख अक्ष के समांतर जा रही है, तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और बीच में कोई तीसरी रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं। यानी मान लो ये रेखा समांतर है, कोई तीसरी रेखा काटे तो इसके जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो क्या होंगे, समांतर होंगे। अल्टरनेट एंगल हमेशा जेड बनाते हैं, आप देख लीजिए, यानी ये वाला एंगल इसके समान होगा, समझ में आ रहा है ना। सेम पोजिशन यहाँ है, क्योंकि ये वाला ये जो ए बी है इस पी सी के क्या है, पैरेलल है। और जब पी सी के पैरेलल है तो ये वाला जो ये अभिलंब है ये इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ एकांतर कोण बनेगा। यानी आपका एकांतर कोण क्या बनेगा, ए बी सी, यानी ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, बी सी एफ के लिखिए या बी सी पी के लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है, यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी या एंगल बी सी या, ठीक है ना। क्यों इसलिए बराबर होगा, यहाँ लिखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण सदैव जेड बनाते हैं, ठीक है ना, कोण, ठीक। इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि ए बी सी के बराबर सी बी एफ है और ए बी सी के बराबर बी सी एफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, ये भी ए बी सी के बराबर, ये भी ए बी सी के बराबर, अर्थात ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए एक व दो से क्या मिल गया, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, ठीक है ना। तो सी बी एफ, तो सी सी बी एफ इसके सामने कौन सा कोण आएगा, सी एफ आएगा, यहाँ लिख देंगे सी एफ बराबर। अब आप ये प्रमेय पढ़े हैं ना, समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, तो ये कोण सी बी एफ, तो सी बी एफ के सामने क्या बन रहा है, सी बी एफ के सामने बन रहा है सी एफ, तो सी एफ हो गया। अब क्या है, बी सी एफ, बी सी एफ, तो त्रिभुज बी सी एफ के सामने क्या है, बी सी एफ के सामने यानी इस कोण के सामने क्या है, बी एफ है, तो ये हो गया बी एफ, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब देखो चूंकि एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, यहाँ लिखो, इसलिए पी सी बराबर क्या होगा, पी सी बराबर होगा पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ या पी सी बराबर हो जाएगा। अब देखो पी एफ प्लस सी एफ, तो पी एफ प्लस सी एफ जो है तो पी एफ सी एफ के बराबर होगा, क्यों, पी एफ जो होगा, ठीक है ना, पी एफ किसके बराबर है, पी एफ बराबर है बी एफ के और बी एफ बराबर है सी एफ के, तो अर्थात कहने का मतलब है पी एफ तो रखेंगे ही रखेंगे और सी एफ के जगह पर भी सी एफ, सी ध्यान दीजिए जरा, सी यहाँ बी एफ बराबर है सी एफ के और यहाँ, और यहाँ पर सी बी एफ बराबर है सी एफ के और यहाँ बी एफ बराबर है पी एफ के, इसका मतलब ये हुआ कि पी एफ सी एफ समान होंगे, पी एफ सी एफ क्या होंगे, समान होंगे। तो कहने का मतलब है, एक मिनट यहाँ लिखिए, 3 व 4 से, 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या पता चलेगा, देखो यहाँ बी एफ बराबर है सी एफ के, यहाँ बी एफ बराबर है पी एफ के, अर्थात पी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ, ठीक है ना। यहाँ लिखो इसलिए, इसलिए पी सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ,
तो या पीसी बराबर हो जाएगा, सीएफ की जगह पर क्या रख देंगे, सीएफ की जगह पर भी रख देंगे पीएफ, और ये पीएफ रहेगा ही रहेगा क्योंकि सीएफ पीएफ के बराबर है। तो पीसी का मतलब हो गया आर, पी का मतलब, पी से सी की दूरी क्या हो गई, आर हो गई, और पीएफ प्लस पीएफ, तो पीएफ का मतलब पी से एफ के बीच की दूरी यानी फोकस दूरी, तो ये हो गया या प्लस या। तो क्या मिल गया, तो हमें मिल गया आर इज इक्वल टू एफ एफ टू एफ, तो आर बराबर टू एफ या एफ बराबर हो जाएगा आर अपॉन टू। तो डियर फ्रेंड इस तरह से हमारा क्या हो गया, आर वा एफ के बीच संबंध स्थापित हो गया। तो डियर फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।